जैसे किसी भी गाड़ी का परफॉर्मेंस उसके इंजन पे डिपेंड करता है, वैसे आपके मोबाइल की परफॉर्मेंस आपके मोबाइल के प्रोसेसर पे डिपेंड करती है। लेकिन आप में से कुछ लोग कहेंगे कि मुझे प्रोसेसर की कोई खास जरूरत नहीं है, मुझे तो बस मोबाइल से अपने फोटो खींचना है और व्हाट्सअप फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करना है। लेकिन शायद आपको ये नहीं पता कि फ़ोटो भी आपकी तभी अच्छी आएगी जब आपके प्रोसेसर की ISP अच्छी हो, यानी कि इमेज सिग्नल प्रोसेसर जिसको कहा जाता है, तभी आपके मोबाइल कैमरे से फोटोज़ भी बढ़िया आती है। इसके अलावा अगर आप WhatsApp और Facebook जैसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही सिर्फ इस्तेमाल करते हैं अपने फ़ोन में, तो आपके फ़ोन का प्रोसेसर अगर कैपेबल होगा, अगर प्रोसेसर अच्छा होगा, तभी आप स्मूथली ये सब चीज़ें भी कर पाएंगे, जैसे WhatsApp और Facebook को ऑपरेट कर पाएंगे। नहीं तो पता चलेगा कि आप जैसे ही WhatsApp में कुछ फंक्शन खोलेंगे वो जल्दी से खुलेगा नहीं, आपका फोन हैंग होगा और ऐसे में आपको गुस्सा आएगा कि मेरा फोन हैंग हो रहा है, मेरा फोन जल्दी से काम क्यों नहीं कर रहा है। तो इसके लिए भी आपके प्रोसेसर का अच्छा होना बेहद जरूरी है। लेकिन इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि आप कोई बहुत महंगा फ्लैगशिप 50,000 का ही फोन खरीदे। मैं आज आपको लगभग सभी प्राइस रेंज में, जो 10,000 से नीचे भी फोन आते हैं या जो 10,000 से ऊपर भी फोन आते हैं, मैं लगभग हर प्राइस रेंज में आपको एक अच्छा प्रोसेसर सजेस्ट करूंगा, जिससे कि आपको नया फोन लेते वक्त आपको एक बढ़िया फोन चुनने में आसानी होगी। अब देखिए, अलग अलग तरह की फोन कंपनियां अलग अलग तरह के प्रोसेसर इस्तेमाल करती हैं। जैसे कि सैमसंग अपना एक्सिनोस प्रोसेसर इस्तेमाल करता है। हाँ, वो कभी कभी स्नैपड्रैगन वाले प्रोसेसर भी इस्तेमाल करता है, लेकिन ज्यादातर वो अपना बनाया हुआ चिप एक्सिनोस इस्तेमाल करता है अपने फोन्स में। इसके अलावा जो हॉनर और हुआवे जैसी कंपनियां हैं, वो अपना बनाया हुआ चिप किरिन इस्तेमाल करती हैं। इसी तरह जो एप्पल है, वो अपने आईफोन्स में A14 बायोनिक चिप अपना प्रोसेसर इस्तेमाल करता है। लेकिन ज्यादातर जो फोन है, जैसे कि रेडमी, रियलमी, ओप्पो, वीवो, वन प्लस भी इसमें शामिल है, यहाँ तक कि सैमसंग वगैरह के फोन भी ज्यादातर मीडियाटेक और स्नैपड्रैगन वाले प्रोसेसर पे चलते हैं। यानी कि आज के जितने भी ज्यादातर फोन्स हैं, चाहे वो माइक्रोमैक्स का फोन कह लीजिए, चाहे वो शाओमी का हो, चाहे ओप्पो का हो, चाहे वीवो का हो, चाहे वन प्लस का हो, किसी भी कंपनियों का फोन आप लेने जाएंगे तो उसमें आपको ज्यादातर स्नैपड्रैगन और मीडियाटेक, सिर्फ इसी दोनों कंपनी के प्रोसेसर आपको देखने को मिलेंगे। अभी कुछ दिनों पहले स्नैपड्रैगन मार्केट को लीड कर रहा था, स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर काफी अच्छे आ रहे थे और ज्यादातर फोन्स में स्नैपड्रैगन प्रोसेसर को ही डाला जा रहा था और स्नैपड्रैगन प्रोसेसर काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे थे। लेकिन अभी यहां पे मीडियाटेक मार्केट को लीड कर रहा है, क्योंकि मीडियाटेक ने अपने जो हीलियो सीरीज के प्रोसेसर निकाले हैं वो काफी अच्छे प्रोसेसर हैं, क्योंकि पहले जो मीडियाटेक के पुराने प्रोसेसर आते थे वो ज्यादा हीट जनरेट करते थे और फोन ज्यादा लैग वगैरह होने लगता था उनकी वजह से। अभी जो लेटेस्ट डायमेंसिटी प्रोसेसर मीडियाटेक ने निकाले हैं, जैसे कि डायमेंसिटी 1200 जैसा प्रोसेसर, डायमेंसिटी वाले जितने भी प्रोसेसर हैं वो सब 5G प्रोसेसर हैं और वो काफी अच्छा परफॉर्मेंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसकी वजह से मीडियाटेक अभी मार्केट को लीड करके चल रहा है प्रोसेसर के मामले में। लेकिन यहाँ पे मैं ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, तो अब आइए देखते हैं कि किस प्राइस रेंज में आपको कौन सा प्रोसेसर वाला फोन बाय करना चाहिए। उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो डालूं तो उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाए। बात करें अगर 10,000 से नीचे 7-8,000 तक के फोनों की, उसमें बहुत सारे प्रोसेसर का वेरियंट आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन उसमें जो बहुत ही आउटडेटेड प्रोसेसर है वो फोन आपको नहीं लेना है। रियलमी और शाओमी के कुछ फोन्स हैं मीडियाटेक के हीलियो G35 और G25 प्रोसेसर के साथ आते हैं। मैं उन फोनों की बात कर रहा हूं जो 7,000 से नीचे की भी कीमत पे आते हैं। तो 7,000 से नीचे G25 या G35 जैसा प्रोसेसर आप ले सकते हैं, इससे अच्छा प्रोसेसर तो इस प्राइस रेंज में आपको नहीं मिलेगा। इस प्राइस रेंज में भी बहुत ही आउटडेटेड प्रोसेसर लेने से आप बचें, क्योंकि बहुत आउटडेटेड प्रोसेसर अगर आप ले लेंगे तो बिल्कुल ही आप एकदम परेशान हो जाएंगे अपने फोन से। हालांकि ये G25 और G35 भी बहुत अच्छे प्रोसेसर नहीं है, लेकिन प्राइस को ध्यान में रखते हुए, चूंकि 7,000 के नीचे आप फोन खरीद रहे हैं, तो G35 और G25 से बढ़िया प्रोसेसर अभी आपको नहीं मिलेगा। बात करें अगर 7,000 से लेकर 10,000 के बीच में आने वाले फोन्स की, तो इनमें आपको कुछ अच्छे प्रोसेसर मिल जाएंगे, जैसे कि मीडियाटेक का हीलियो G80 हो गया, हीलियो G85 हो गया, ये भी मीडियाटेक की तरफ से आता है। और स्नैपड्रैगन की अगर हम बात करें तो स्नैपड्रैगन 460 आपको मिल जाएगा, 439 आपको मिल जाएगा, जैसे कि शाओमी वगैरह के कुछ फोन्स हैं जैसे कि रेडमी 8 वगैरह में आपको 439 मिल जाएगा स्नैपड्रैगन का। जैसे रियलमी का नार्जो 30 हो गया, इसमें आपको मीडियाटेक का हीलियो G85 मिल जाएगा 10,000 के अंदर अंदर। इसके अलावा और कोई भी पुराना प्रोसेसर हो तो उसको आप लोग इग्नोर करें। अब बात करें 11,000 से लेकर 15,000 के बीच में आने वाले फोन्स की, तो इसमें बहुत सारी वेराइटीज आपको मिल जाएंगी और इसमें भी ज्यादा कंफ्यूज
कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर 15,000 के रेंज में आपको फ़ोन मिलेंगे। उसमें एक प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 720G, जो अभी के टाइम के लिए बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है। मतलब कि ये प्रोसेसर कुछ दिन पहले लॉन्च हुआ था, जो कि स्नैपड्रैगन की तरफ से बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है, बहुत कैपेबल प्रोसेसर है, जो आपको हर काम आसानी से करा देगा। यहाँ तक कि आपको गेमिंग करनी है, आपको वीडियो एडिटिंग करनी है, आपको अपने स्मार्टफोन से हैवी टास्क करने हैं, सभी कुछ काम के लिए स्नैपड्रैगन 720G जैसा प्रोसेसर आपके लिए काफ़ी बेस्ट रहेगा। इसके अलावा हीलियो G95 प्रोसेसर भी काफ़ी बेस्ट है 11,000 से 15,000 के बीच में। इसके अलावा अगर आप कोई 5G फ़ोन देख रहे हैं इस प्राइस रेंज में, तो आपको मीडियाटेक का डायमेंसिटी 700 प्रोसेसर मिल जाएगा, जो कि आपको Xiaomi का पोको M3 Pro में देखने को मिल जाता है। यही सेम प्रोसेसर Realme 8 5G में आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा स्नैपड्रैगन 662 भी आपको मिल जाएगा, जो 11-12,000 के आसपास जो फ़ोन आते हैं उसमें स्नैपड्रैगन 662 मिल जाएगा। आपको स्नैपड्रैगन 678 मिल जाएगा। 678 अभी फिलहाल Redmi Note 10 में आपको दिया गया था, जो कि एक 12-13,000 के आसपास का फ़ोन है, उसमें आपको 678 देखने को मिलता था, तो ये भी एक अच्छा प्रोसेसर है। इसके अलावा Helio G90T, स्नैपड्रैगन 712, स्नैपड्रैगन 730G, स्नैपड्रैगन 732G, ये सारे प्रोसेसर आपको 15,000 के प्राइस पॉइंट पे मिल जाएंगे आराम से, जिनका मैंने नाम लिया। ये बहुत ही कैपेबल प्रोसेसर हैं, जो आपको हर काम आसानी से अपने फ़ोन में करने की सुविधा प्रदान करते हैं। जितने भी बेकार प्रोसेसर हैं उनको आप अवॉइड करें, क्योंकि आप जब पैसे लगा ही रहे हैं तो कम से कम उतने पैसे में ही बढ़िया प्रोसेसर लीजिए, ताकि आपके डे टू डे लाइफ में आपका फ़ोन प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। अब बात करते हैं 15,000 से लेके 20,000 के प्राइस पॉइंट पे, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा कुछ आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। 15 से लेके 20,000 के बीच में ज़्यादातर जो प्रोसेसर आपको मिलेंगे वो स्नैपड्रैगन की तरफ से स्नैपड्रैगन 732G आज के टाइम पे आपको देखने को मिलेगा। ये एक 4G प्रोसेसर है, और इसके अलावा 15 से लेके 20 के बीच में आपको अगर 5G चाहिए तो मीडियाटेक का 700, मीडियाटेक का डायमेंसिटी 800 और स्नैपड्रैगन के 765 जैसे प्रोसेसर आपको 15 से 20 के बीच में देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ कई सारे फोन्स में अभी भी 15 से 20,000 के प्राइस पॉइंट पे स्नैपड्रैगन 720G ही देखने को मिल रहा है, जैसे कि Realme 8 Pro में अभी आपको 720G देखने को मिलेगा। इस प्राइस रेंज में काफी हाई एंड प्रोसेसर आपको नहीं मिलेगा। हाँ, यहाँ पे सिर्फ एक पोको X3 Pro ऐसा फोन है जो इस प्राइस पॉइंट पे 19,000 के प्राइस पॉइंट पे आपको काफी हैवी प्रोसेसर दे रहा है, जो कि है स्नैपड्रैगन का 860। ये काफी कैपेबल प्रोसेसर है, हालांकि ये 4G प्रोसेसर है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा कैपेबल है गेमिंग वगैरह के लिए। तो अगर आप एक हैवी गेमर है तो 19,000 के प्राइस पॉइंट पे आप स्नैपड्रैगन 860 ले सकते हैं पोको X3 Pro में। अगर हम 20,000 से ऊपर चलते हैं तो 20,000 से लेके और 30,000 के प्राइस पॉइंट पे आपको फ्लैगशिप प्रोसेसर आजकल देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि मीडियाटेक का डायमेंसिटी 1200। ये एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है, और 30,000 से जो ऊपर के भी आजकल 5G फोन आ रहे हैं उसमें ये प्रोसेसर देखने को मिल रहा है। ये 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे है। अब नैनोमीटर वगैरह क्या होता है, इसके बारे में अगर डिटेल में जानकारी चाहिए तो यहाँ मैं ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा। मैंने पहले से डिटेल में वीडियो अपलोड कर रखी है प्रोसेसर के बारे में, कि और भी बहुत कुछ डिटेल है उस वीडियो में, तो आप उस वीडियो को देख के नैनोमीटर वगैरह के बारे में जान सकते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे डायमेंसिटी 1200 की, जो कि अभी फ्लैगशिप फोनों में देखने को मिल रहा है, और ये 25 से 30,000 के प्राइस पॉइंट पे जितने भी फोन आ रहे हैं उसमें ये प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाता है। जैसे कि Realme X7 Max हो गया, उसमें ये प्रोसेसर आपको 25,000 के प्राइस पॉइंट पे देखने को मिल जाता है। Poco का एक नया फोन आया है, उसमें भी ये देखने को मिल जाता है। साथ ही OnePlus के जो नए फोन आए हैं, Oppo के कुछ फोन्स हैं जिसमें ये प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाता है। कुल मिलाकर डायमेंसिटी 1200 अभी की डेट में MediaTek का सबसे हाई एंड सबसे फ्लैगशिप प्रोसेसर है, और ये 5G प्रोसेसर है जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे है और बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है जिस फोन में भी इस प्रोसेसर को दिया जाता है। तो अगर आप 25 से 30,000 या उससे ऊपर का कोई फोन देख रहे हैं और MediaTek का प्रोसेसर अगर आप फोन में लेना चाहते हैं, तो आराम से आप डायमेंसिटी 1200 को ले सकते हैं। इसके अलावा स्नैपड्रैगन के बहुत सारे प्रोसेसर इस रेट पे हैं, जैसे कि स्नैपड्रैगन 870 हो गया, ये भी प्रोसेसर बहुत ही अच्छा है। स्नैपड्रैगन का 778 5G प्रोसेसर, ये भी बहुत अच्छा है। और अगर आप फ्लैगशिप फोन की तरफ जाएंगे, जैसे 30,000 से ऊपर का अगर आप कोई फोन लेते हैं, तो उसमें स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर आपको मिल जाएगा। और अभी तो 888 प्लस भी आने वाला है, 888 भी 7 नैनोमीटर पे बना हुआ है, और ये काफी कैपेबल प्रोसेसर है। ये फ्लैगशिप लेवल का है, हाई एंड गेमिंग के लिए या किसी भी CPU इंसेंटिव टास्क के लिए ये प्रोसेसर काफी अच्छा है। तो मैंने यहाँ पे कोशिश किया है आपको लो प्राइस से लेके हाई प्राइस के बीच में जो बेस्ट प्रोसेसर है उनके बारे में बताने की। तो अगर इस हिसाब से आप अपना फोन खरीदते हैं जिसमें एक अच्छा प्रोसेसर लगा हो, तो आप उसको लंबे समय तक बिना किसी परेशानी के यूज कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही टेक्नोलॉजी वाली और हेल्पफुल वीडियो लेके आते रहते हैं।
हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।